सो है गुड मॉर्निंग गाइज़ दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और मैं हूँ आपकी दोस्त निर्मति एंड आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो so, आज मैं अटेंड कर रही हूँ एक एंगेजमेंट मेरी कज़िन की ही है और आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस एंड आल्सो माय सिस्टर इज़ वेयरिंग ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस आपने तो उसको फर्स्ट टाइम देखा होगा ट्रेडिशनल ड्रेस में तो अभी हम निकलते हैं और आपको पूरा शूट और उधर क्या क्या हुआ बताते हैं इसको तो बहुत खाई थी जाने की एंड वी आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट इन दिस लुक यार देख लीजिए और कोइंसिडेंसली ना मेरी मॉम और मेरी बहन दोनों का मैचिंग मैचिंग हो गया था और मैं साइड में रह गई थी ये हमारा लास्ट मोमेंट इसने लास्ट मोमेंट पे ये ड्रेस पहना है और देखो मुजरा कर रहा है सो नाउ वी आर जस्ट सर्चिंग ऑटो बिकॉज हम लोग का काम ही ऑटो सर्च करना मम्मी और पापा तो चले गए बाइक पे और इतना घूम रहे थे कोई उधर आने के लिए रेडी नहीं था और ये हमारी मैडम मुझे बार बार पूछ रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ आई टोल कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए सो एट लास्ट हमें ऑटो मिल गई थी और मुझे डर था कि इधर ट्रैफिक ना हो क्योंकि ट्रैफिक होती है तो ओ गॉड आधी जान उसी में निकल जाती है सो हियर वी आर और दिस इज़ अ सेटअप ये एक ट्रेडिशनल इंगेजमेंट टाइप था मतलब इंगेजमेंट तो रिंग एक्सचेंज होने वाला था बट दिस इज़ आर ट्रेडिशनल मेथड सो ये सब भी ज़रूरी था और इसमें बहुत क्यूट सा सेटअप था और अभी हम ब्राइड के पास चले गए थे मैं उनके रूम में घुस गई थी उनको बोला था मुझे व्लॉग शूट है शी लाइक स्माइलिंग बट शी इज लुकिंग सो क्यूट इनर ही हरा चूड़ा एंड शी इज़ जस्ट स्माइलिंग शी इज़ लुकिंग सो क्यूट उसका मेकअप चल रहा था बट उसको भी टेंशन होगा और जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो उसकी दोस्ती थी सो so, वो उसके साथ सब शेयर एंड ऑल कर सकती थी सो देर वॉज नो वरी बट शी इज़ ऑल्सो लुकिंग सो क्यूट और उसने बहुत अच्छा मेकअप किया था लास्ट में हमने जब देखा तब Oh my God, the bride was looking so cute. और bride भी personally एक makeup artist है, so तो उसको इस सब को carry करना बहुत अच्छे से आ रहा था. So here we are with our cousin. और coincidentally हम दोनों matching matching हो गए थे, pink pink और उस side blue blue. लोगों को लग रहा था twinning हो रही है. Oh my God. So ये तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे जो भी हो रहा था बहन बहन का प्यार ओ माय गॉड सो यर आई मेट माय कजिन आफ्टर सो मेनी इयर्स और मंथ्स यर आर अप्रॉक्स क्योंकि शी डजेंट स्टे विथ अस मतलब हमारे यहाँ नहीं रहती एंड देन वी एन्जॉयड अ लॉट और मुझे टेंशन था कि मेरी मेहंदी का कलर फेड ना हो जाए उस लिए ओ माय गॉड आई वाज लिटरली डूइंग व्हाट यू डोंट नो यूर एंटर्ज आवर ग्रूम्स मदर शी वाज आल्सो लुकिंग क्यूट और कॉन्सीडेंसली उन्होंने भी ब्लू पहन लिया था ओ माय गॉड यहाँ पे ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है आई डोंट नो और यहाँ पे हमारे भाई साहब आ गए ओ माई गॉड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग क्यूट बट इतना शांत मैंने इसको कभी नहीं देखा हर बार मस्ती ये वो हर बार कहता है बट आज बहुत शांत था एक जेंटलमैन की तरह और उसको जब पता चला कि मैं शूट करी उसकी स्माइल है हंस है, है, के चला गया बंदा एंड दिस वॉज ब्राइट्स मदर एंड फादर दे वूइंग सम रिचुअल्स और uh, ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एंगेजमेंट था मतलब वो सब पूजा वूजा करते हैं मुझे भी इतना आइडिया नहीं था और मेरी मम्मा मुझे सामान दे के उसके काम के लिए जा रही थी मैं उधर ही बैठी थी तो मम्मा ने मेरे पास सामान रख दिया इतना भीड़ तो था स्टार्टिंग में सो so, अभी ये जो लेडीज़ है वो अभी एंट्री के पास गए थे ये थाली लेके मैं भी उनके पीछे 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 चली गई ये देखो दे आर स्टैंडिंग नाउ दे विल जस्ट एंटर इनसाइड ऐसे बोलते हैं कि जो दूल्हा होता है उसका स्वागत ऐसे करना होता है तो फिर उसकी तरफ के जो मतलब उसके जो नज़दीक वाले रिलेटिव्स होते हैं वो ये करते हैं ट्रेडिशन तो मेरी मम्मा उसके भाभी लगती है तो वो भी उसके पास चली गई थी और दे वर जस्ट फॉलोइंग दिस एंड आई वाज जस्ट शूटिंग सो दिस वाज द रिचुअल्स दे वर डूइंग शी इज शावी शी इज सो क्यूट नाउ शी विल से हाई टू यू एंड शी बापरे ये लोगों ने तो मुझे इतना परेशान किया था ओ माई गॉड पूरी शादी में इतना मस्ती कर रहे थे बट ये क्यूट भरी है डांस करके दिखाई हमें बहुत मस्त मज़ा आया तो ये अभी ब्राइड का सब पूजा होगा फिर हमारे में उसका ओटी भरते हैं लाइक मतलब ओटी भरते हैं मतलब उसकी शादी होती है उसको ब्लेसिंग्स देते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो ये सब करते हैं एंड फिर उसको अच्छे से ब्लेसिंग्स मिल जाता है ये मेरी मम्मा मेरी एक से बात कर रही थी और ये हमारे दूल्हे का भी पूजा हो रहा है तो फिर ये सब इम्पॉर्टेंट होता है हमारे में बिकॉज मतलब सब में इम्पॉर्टेंट होता है उनका उनका अलग अलग ट्रेडिशन होता है हमारा अलग ट्रेडिशन है मैं तो वेट कर रही थी कब रिक एक्सचेंज होगी ये कैमरा वाले भाई साहब तो उनको छोड़ने को रेडी ही नहीं थे फिर मेरी मम्मा गई उसने भी सेम रिचुअल फॉलो किया फ़ोटोज़ वोटोज निकाले वहाँ पे मैंने भी टीका लगा ही लिया तो एट लास्ट रिंग एक्सचेंज होने जा ही रही थी तब मैंने देखा कि दोनों बहुत हंस रहे मैंने मन में बोला कि हंसो हंसो शादी के बाद क्या होगा वी डोंट नो हाँ झगड़े तो होते हैं शादी में बट जैसे झगड़े होते हैं वैसे प्यार बढ़ता है इन दोनों में भी होंगे बट जैसे झगड़े होंगे ये दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे शादी का मतलब ही है झगड़ा करना मतलब झगड़ा करके वापस एक साथ आना और ये दूल्हा हमारा हंस रहा है उसको देख के पोजिंग कर रहा है और ये कैमरा वाला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ओह माय गॉड क्या बोलूँ बीच बीच में लोग आ रहे थे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बट इट्स ओके क्योंकि मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम फिर उन्होंने आरती की पूरे मतलब ये और हमने खाना खाया फटाफट करके और